नमस्कार। क्लास सिक्स एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5 हम करने जा रहे हैं। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10? एक से लेकर 10 तक सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक से लेकर 10 तक देखो प्राइम नंबर हमने पहले भी किए थे, तो ये चार प्राइम नंबर है, 2, 3, 5 और 7। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स हैं 2, 3, 5 और 7। इनमें सबसे बड़ा कौन सा हुआ? 7 हुआ, तो हम लिख देंगे ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर। ये मैं क्वेश्चन से उतार रहा हूं, ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। 1 एंड 10 इक्वल्स कौन सा नंबर है 1 और 10 के बीच में? ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर 7। ठीक है, ये तो बहुत आसान था बच्चों, 1 और 10 के बीच में जो प्राइम नंबर है उनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? 7। आइए हम क्वेश्चन 6 भी देख लेते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स। दो प्राइम नंबर के, इस नंबर को 44 है जैसे, इसको मैंने दो प्राइम नंबरों के सम के रूप में लिखना है। इसके लिए हमें इस लिस्ट की जरूरत पड़ेगी जिसमें हमने ये प्राइम नंबर्स की लिस्ट है। सबसे पहला नंबर है 44, तो हमने देखना है इनमें से किन दो प्राइम नंबर्स को प्लस करके 44 आ सकता है। देखो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। पहला हो सकता है ये 31 और 13। 31 में 13 प्लस करेंगे तो 44 आ जाएगा, तो दोनों प्राइम है, यही हमें चाहिए। इस नंबर को दो प्राइम नंबर्स के सम के रूप में लिख दो। और देखें तो 44 है ना, अभी हम और भी बहुत से देख सकते हैं। देखिए यह है 37, यह है 7। 37 प्लस 7, दोनों प्राइम होने चाहिए। कंडीशन सिर्फ यह है कि दोनों प्राइम होने चाहिए। ये 37 भी प्राइम है, देखो 7 भी प्राइम है। ठीक है, और अगर हम चाहें ढूंढने पड़ेंगे, काफी सारे मिल जाते हैं बच्चों। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखें तो एक और नंबर मुझे दिख रहा है यहां पे, 41 और 3। तो इन तीनों को ही प्लस करके 44 आता है। हमें एक जोड़ा लिखना था, मैंने आपको तीन जोड़े बता दिए हैं। ऐसे ही अगला नंबर है 36। अब आप ढूंढिए इसमें से, इस लिस्ट में से। ये वैसे तो प्राइम नंबर आपको सारे पता होने चाहिए, आप खुद से देखें 36 जो है किस किस को प्लस करने से आ सकता है। देखो सबसे पहले जो मुझे दिख रहा है 23 और 13 36। मैं आपको काफी सारे बता रहा हूं, आपने सिर्फ एक ही लिखना है, कोशिश करना ज्यादा भी लिख लो। 23 और 13 36 होता है, और ऐसे ही 29 और 7 भी 36 होता है। ठीक है, और इसी प्रकार से 31 और 5 भी 36 होता है। नंबर सिर्फ प्राइम ही लेने हैं, मैं बार बार बच्चों बोल रहा हूं।
और इसी तरह से देखें तो 19 और 17 भी 36 होता है। तो देखो कितने सारे प्राइम नंबर्स का टोटल 36 बन सकता है। इसी प्रकार से 23 और 13 भी 36 होता है, वो लिख चुके हैं हम, ठीक है। और बस ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको चार जोड़े बता दिए, आपने एक ही लिखना था, ठीक है। कोशिश करो आप ज्यादा भी लिख सकते हो। इसी प्रकार से 24, 24 किस किस का, कौन से ऐसे प्राइम नंबर है जिनको प्लस करके 24 आता है। देखो 5 और 19 24, ऐसे ही 7 और 17 24, 7 और 17, 7 और 17 24, ठीक है। और इसी प्रकार से देखो 11 और 13 24, 11 और 13 24, और बस मेरे ख्याल से और नहीं है कोई भी, ठीक है। तो ये हो गए, तीन जोड़े हमने लिख दिए, हमें एक ही लिखना था। 18, अब हम 18 का ढूंढते हैं। देखो यहां से 13 और 5 18, 5 प्लस 13 18, ये दोनों प्राइम है। देखो ये प्राइम नंबर है ना सारे, तो 5 प्लस 13। इसी प्रकार से देखो 7 प्लस 11 18, 7 प्लस 11 18 होता है, ठीक है। और इसके अलावा मेरे ख्याल से और कोई नहीं है। 7 11 17 बस, हाँ जी ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन में हमने ये देखा कि कैसे हम किसी नंबर को प्राइम नंबर्स के सम के रूप में भी लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन था, ठीक है बच्चों। तो ये लिस्ट तो मैंने सिर्फ आपको प्राइम नंबर दिखाने के लिए ली थी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, एक एक भाग लिखना था, हमने दो दो तीन तीन भाग लिखे ताकि आपको समझ आए कि क्वेश्चन किया कैसे है। उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों क्वेश्चंस, पांचवा और छठा, समझ आया होगा। और अगर अच्छे से समझ आया तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करना बच्चों। थैंक यू।